समर की शादी से है अनुपमा बेहद खुश। काव्या की प्रेगनेंसी से लगा वनराज को झटका। बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी को क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अपकमिंग ट्रैक बहुत ही दिलचस्प है, जहां एक तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि अनुपमा अपने लाडले बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। समर के लिए वो हर पल खास बनाना चाहती है, इसीलिए उसने दुल्हन वालों के लिए और दूल्हे वालों के लिए एक अलग सा बैच बनवा रखा है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और काव्या कहती है कि अनुपमा, तुम्हें इतने कूल आइडियाज आते कहाँ से हैं, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। वेल, दूसरी तरफ जो डिम्पी है उसका मकसद ये है कि किसी तरह अनुपमा की सारी खुशियों को बर्बाद कर दे और अपने हक की लड़ाई लड़े। जहां पर वो दुल्हन के रूप में ये कहती है कि भले ही आगे का सफर बहुत कठिन है, लेकिन मुझे प्यार से सब कुछ हासिल करना है, उसके लिए फिर मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यहाँ पर डिम्पी का साथ बरखा दे रही है। तो वहीं आगे हम देखते हैं कि काव्या वनराज एक साथ होते हैं और काव्या वनराज को कहती है कि अब मुझे भी पता चलेगा कि पेरेंट्स बनने का मतलब क्या होता है। वनराज शॉक हो जाता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, और काव्या उसे बताती है कि मैं माँ और तुम पापा बनने वाले हो। ये सुनकर वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या वनराज अपने बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। इस ट्रैक को लेकर दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।